ये दादी ने गिफ्ट दे दी। तो यहाँ पे हमारी मम्मी पकौड़ियाँ बना रही हैं और लगभग पकौड़ियाँ बन गए हैं, अभी तैयार हो रहे हैं, ये आधा से ज्यादा तैयार होंगे। अब शाम की तैयारी हो रही है, ठीक है। इससे पहले हमने आपको सुबह मॉर्निंग में क्या दिखाया था, मंदिर वगैरह ले गए थे पूजा पाठ की। अब शाम को यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो क्या होने वाला है दिखाएंगे आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे सजा दिया है अच्छे से, जो भी है कैसा भी सजाया है, और यहाँ पे भगवान जी की तस्वीरें अलग अलग प्रकार की आपको देखने को मिलेंगे। पिन 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 सो रखा है, ये देखिए कितना सुंदर, क्या मस्त नींद आ रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। अरे मैंने कीर्तन के लिए सूट लाया था। और दीदी कह रहे कि मैंने कीर्तन के लिए सूट लाए थे, भाभी भी लाई है सूट। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए आप। नहीं है, वो नहीं है। सो वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, एक पहाड़ आपको देखने को मिल रहे हैं, और इस प्रोग्राम का हमें काफ़ी टाइम से वेट था, तो इसी के लिए हम गांव में आए थे। क्या कराने आए थे हम, तो क्या कराने आए थे बोलो, बता दे। पूजा यानी कि हम यहां पे कराएंगे कीर्तन, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारी लाइफ में कि भाई की शादी के बाद हम पूजा कराए। बच्चे आ गए यहाँ पे बहुत सारे, और दादी लोग आ गए यहाँ पे। बच्चे आ रहे प्यारे प्यारे, और भा ये देखिए आज कुछ कहना चाहेंगे, क्या होने वाला है प्रोग्राम, इस चीज के बारे में कुछ बोल लीजिए। ये दादी ने गिफ्ट ले लिया शादी में, भा को गिफ्ट मिल गया एक दादी की तरफ से, और मैं क्या करूंगा गिफ्ट का, मेरे लिए आप ही काफी हो। गुल्लू को मिल गया गिफ्ट। तुम्हारी भाई आपको बताना चाहेंगे हम यहाँ पे क्यों आए, कारण क्या था। शादी के बाद आना था, पर उस टाइम बीमारी हो गई थी, इस प्रकार हम आदमी आए, अभी लगातार। रिया को मैं अपने साथ ले गया था ना, रिया रिया की, रिया खुशी 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 है ना, कौन सी क्लास में गई खुशी, थर्ड क्लास में, यही बाड़ा में स्कूल बाड़ा जाता रिया के साथ। खुशी दीदी हमारी प्यारी बच्ची लगाएगी, रिया टीका लगाएगी, रिया टीका लगाएगी, बेटा तो लगा। थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, और देखते हैं डांस करेंगे हम भजन में, भजन स्टार्ट। मैं यहीं मतलब पूजा करूँ, वह चाची भी आ गया हमारी। तो थोड़ी देर बाद बहुत सारे आ चुके हैं हमारे मतलब गांव के लोग, Thank you.
प्यारे बच्चा है उनसे मिला लेता हूँ दोस्तों आप सभी को। बोलो जय शेरावाली माता की, बोलो बच्चों जय शेरावाली माता की, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दादी ने तीन कट्टे कर दिए भाई। सो गाइस आज का जो प्रोग्राम है खत्म हो गया। अभी दोनों को कैसे बजाने पे लगे हैं। गुल्लू बजाएगा क्या आया हमें कल हम चले जाएंगे। क्या कैसा लगा गुल्लू? अच्छा था, मजा आया। अपने दोस्त ने मनाने में भी अच्छा। तो आगे कितने फ्रेंड है बनी? एक तो बनी, एक बन गए। इतनी सारी लड़कियां आई, एक ही फ्रेंड बनी आपकी? तो आज का प्रोग्राम समाप्त हो चुका है। गुड मॉर्निंग गाइस, हमारा जो कार्यक्रम था वो पूरा निपट चुका है और अभी मैं प्रस्थान कर रहा हूँ घर के लिए। यानी कि दीदी लोग तो अभी आए नहीं पीछे से, बाकी भांजी है मेरी यहाँ पे मेरे साथ और अभी मुझे राशन भरनी है। आज हमारा करवा चौथ भी है तो करवा चौथ का ब्लॉग भी बनेगा शाम को। और फिर कल मैं पैठा नहीं निकलने वाला हूँ, यानी कि मेरी बहुत सारी क्लासेस छूट चुकी है तो बहुत छुट्टी कर दी मैंने इस बार। शादी चक्कर में दो शादियाँ थी। नीचे पे धारा है, मैं आपको थोड़ा धारा भी दिखा लेता हूँ। मुझे एक अमेजिंग फैक्ट यहाँ से देखने को मिल रहा है तो सोच रहा हूँ कि आपको भी दिखाऊँ। मैं तो हमेशा नहीं रहता है ऐसा, जब बारिश होती है तभी जाके ये देखने को मिलता है, इसलिए दिखाता हूँ मैं आपको। जब भी आता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए अमेजिंग फैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और हमारे गांव का सबसे फेमस है, मैंने आपको पहले बताया था, आज ही बता रहा हूँ। पर यहाँ पर मुझे अमेजिंग फैक्ट ये देखने को मिला कि दोनों धारा से पानी आ रहा है और साथ में वहाँ से भी पानी आ रहा है छोटा सा। तो मतलब बड़ा अमेजिंग चीज़ है ये। तो ये तब होता है जब आपकी बारिश आती है, यानी कि जब बारिश ज़्यादा होगी तो दोनों धारा आने लग जाती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आज तक इसका पता नहीं चलता है कि ये पानी कहाँ से आता है, कहाँ से इसका स्रोत है, अंदर ही अंदर चुका है बचपन से। तो मतलब हम यहाँ पे नहाने के लिए आते ही है। सो दोस्तों धारा में हमने पानी भी पिया और गुल्लू को पिलाया मैंने पानी। अब आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा आज का ब्लॉग है वो आज यहीं पे समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ दोस्तों, और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए दोस्तों इन खूबसूरत पहाड़ों से
जय हिंद, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।